लोग अब इसका प्रैक्टिकल ताजी ताजी रहे इजाजत में है। ठीक है, अभी मैं एक सवाल करता हूं, कितने लोगों के पास आधार उद्यम है? देख लीजिए, ये प्रोसेस किसी भी चीज के फायदा उठाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कितने लोगों के पास है? क्योंकि आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर वो स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। और इसीलिए तिजारत को शुरू से आप समझ लीजिए कि आप तिजारत कर रहे हैं तो आपका एक पार्टनर गवर्नमेंट में समझ लीजिए, प्रॉफिट लेना है, तभी आपकी तिजारत है फ्लरिश होती है। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं करेंगे और ये चाहेंगे कि वो ग्रांट हमको मिले कि नहीं मिल सके। तो हम ये एजुकेट कर रहे हैं और हम यहाँ मौजूद हैं। रिपा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सालों से नहीं है, तेलंगाना में तो पिछले ही साल अगस्त में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन इसका लॉन्चिंग हुआ है, तभी तो काम करना शुरू किए। इंशाल्लाह अगर आप सब मिली होंगे हमारे साथ, हम सब मिलकर जो है बहुत तरक्की का काम कर सकते हैं और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उससे हम खुद की और मिलत को फायदा पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। पहली चीज लाइसेंसिंग कंप्लाइंसेस सबको ठीक करने की जरूरत है। हैदराबाद में भी सैकड़ों लोग हैं कारोबार कर रहे हैं लेकिन किसी के पास जीएसटी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे कारोबार कर रहे हैं बल्दिया का लाइसेंस भी नहीं है। तो आपकी आइडेंटिटी है कारोबार के लिए तो आइडेंटिटी जरूरी है, उसके बाद आप सारे स्कीम्स को अप्रोच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लस्टर के लिए किन डॉक्यूमेंट और क्या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी? क्लस्टर के लिए जो है आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपके पास चार चीज़ें हैं तो आप एक क्लस्टर का मेंबर बन सकते हैं, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है तो फिर हम लोग जो है ना आपको जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह करवा के देंगे, तो उसके ज़रिए से जो है फिर आप कोई भी क्लस्टर का एक मेंबर बन सकते हैं। मेरे एक दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये क्या सही है और इसमें काम करने का बेटर रिसोर्स क्या हो सकता है? ये स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग क्या ये सही है? ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? जी जी, देखिए उस सिलसिले में मैं अथॉरिटी तो नहीं हूँ लेकिन जो इस फील्ड की अथॉरिटी है उनके साथ आपका इंटरेक्शन रखूंगा मैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में कुछ आप जी उसके ऊपर जो है शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इसके ऊपर एक अलग से एक सेशन रखा जा सकता है। आपको तशफी बस शरा के नजर से सवाल के जवाब दी जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है, इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग जो कारोबार रहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग बिजनेस कैसा है और इसका लीगल सेटअप जो होता है वो डिफिकल्ट है या क्या चीज़ हो सकती है और कौन सा एक्सपोर्टिंग बिजनेस बेहतर हो सकता है? देखिए बिजनेस कौन सा बेहतर है वो आपको फाइंड आउट करना है। इंटरनेट पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस मुल्क में किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है और कौन से ममालिक से हिंदुस्तान में माल आता है, ये बहुत मिल जाएगी। यहाँ तक तरीके का मामला है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। रिफा आपको उस सेटअप के सिलसिले में भरपूर मदद करेगी, यानी जो लाइसेंस आपको हज़ारों में मिलता आपको सौ में यानी 500 या 700 में हम आपको बना के दे सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस। और दीगर और भी ट्राइबल्स की एक मिनिस्ट्री है, बहुत सारे ट्राइबल के प्रोडक्ट्स वो लोग ले, आप अगर सेल करना चाहें तो 20,000 10,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट 10,000 में आपको देखिए, आप ले जाइए बेचिए, अपना 20% प्रॉफिट है उसमें, प्रॉफिट करके फिर आप जो है ले सकते हैं। चेतापल्ली एरिया में एक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है सीपैक, तो वहां पे भी ट्रेडिंग की जाती है वहां पे, तो वो ट्रेनिंग क्या है पास वालों के लिए भी है वहाँ पे, आफ्टर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो लोग आके ट्रेनिंग देना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ से वो लोग वहाँ जा सकते हैं। उसकी सहूलत ये है कि 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है, ये पीरियड के अंदर आप लोगों को रहने के लिए जगह प्लस स्टाइपेंड दिया जाता है आपको, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको
कहीं अच्छे से प्लेसमेंट भी किया जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्लेसमेंट के लिए कहीं जॉब करना चाह रहे हैं या तो खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग भी है वहाँ जो आपको खाली आप वहाँ जाना है, काम सीखना है और अपना फ्यूचर बनाने के बारे में कोई चाहिए। नौजवानों के लिए अच्छा इंस्पायरिंग है तो ये भी कर सकते। प्लास्टिक इंडस्ट्री आज के ज़माने में बहुत डेवलपिंग इंडस्ट्री है प्लास्टिक इंडस्ट्री। क्यों, तो आप देखेंगे पहले ज़माने में तांबे के मग जग लोटे आते थे, वो सब प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गए। तो हर चीज़ प्लास्टिक में डे बाई डे कन्वर्ट होती जा रही है हर चीज़। तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो नौजवानों से मैं ये कोशिश करता हूँ, लोगों से ये इंतजार करता हूँ, अगर उन लोगों को कुछ इंटरेस्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ काम करना है तो ये ट्रेनिंग लीजिए, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो किया जा सकता है, वरना मैं इख्तितामी कलिमात के लिए मोहतरम जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी निज़ामाबाद अर्बन से ख्वाहिश करता हूँ कि वह इख्तितामी कलिमात अदा करें। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर रियासत जी सदर तेलंगाना और मौजूदी अलहमदिल्ला आज का ये हमारा इस बिजनेस स्टार्टअप प्रोग्राम एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है और इस के बाद इंशाल्लाह हम आइंदा मरहले के लिए इस तरह के प्रोग्राम हम मुनाकिद करते रहेंगे। और रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ये जमात इस्लामी तेलंगाना का एक शोभा है। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में 10 उसके काम करने के मैदान हैं और मैदान में उम्मत का तहफ्फुज़ और तरक्की एक शोभा है और शोभे के तहत ये रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उम्मत की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई करने के लिए माशी मैदान के अंदर इस रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को कायम किया है। इंशाल्लाह ये आज का प्रोग्राम हमारा ये हमारी मईशत की रहनुमाई और तरक्की में ये पहला कदम है। इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम हमारे बिजनेस के टाइटल के नाम पर स्पेशलाइजेशन के वर्कशॉप इंशाल्लाह होते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि निज़ामाबाद के अंदर रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक शाख कायम हो और उसके ज़रिए हम तेलंगाना की शाख से हम इंटरलिंक करके ब्रांच को शाख को हम जो है आगे सदन के प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं ये दो एक बातें आपके सामने रखता हूँ कि जनरली हमारे मुसलमानों के अंदर इस उम्मत के अंदर जो रुझान है वो बिजनेस का रुझान नहीं है। वाकई आज जमात इस्लामी अहमदी बाज़ार में जो सोचा कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा ओरिएंटेशन या बिजनेस के सिलसिले में होनी चाहिए जो मिल्लत के मिल्लत को जो रहनुमाई कर सके। हमारे जहन में यही होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम क्या करें। मैं भी चाहता हूँ कि हम रियल इस्टेट के बारे में सोचते या फिर हमारे नौजवान सोचते हैं इस तरह के हमारे नौजवान ने कहा कि मैं जो है पढ़ लिख हम जो है पीजी करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इंजीनियरिंग करके बिजनेस करना चाहिए। हमारे साथ स्कूल स्टडी है बसीर अली की है, ये हमारे इनामबाद के नौजवान है, आज पौड़ों का बिजनेस है इनका फोन का। तो ऐसा क्यों हमारी थिंकिंग को हम चेंज क्यों नहीं कर सकते। तो आज हमारे सबसे पहले हमारी थिंकिंग को चेंज करना है। जब हम सोच बदलेंगे तो हम बदलेंगे, हमारी मईशत बदलेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोच नहीं बदलेंगे हमारी क्रीज जो लकीर है जिसको हम कहते हैं कि लकीर के वकील, अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो यही सोच है कि हम करेंगे हमारे पास पैसा है। अब इतने भी लोग जो बाहर से आते हैं क्या कर रहे हैं हम पूछिए आप रियलिस्ट है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। मैं कहता हूँ कि रहनुमाई की गलती है। जमात इस्लामी ने एक मुश्किल कदम
मरकजी सतह पर उठाया है, और जिस तरह के हमारे युद्ध वली साहब ने कहा कि 11 रियासतों में ये काम हो रहा है एरिमा चैम्बर का, तो इंशाल्लाह हम इस रहनुमाई के जरिए उनके पैसों का, उनकी मीशत का, हम जो है पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे, उनकी मीशत को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करेंगे। फिर ये भी बात जो है हमारे लिए कि आधार उदयन नहीं है हमारे पास, GST नहीं है, हम लोग कारोबार कर रहे हैं, तो हम सेंट्रल स्कीम से गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा फायदा उठा सकते हैं। तो हमारे नौजवानों की भी ये नौजवानों की तादाद है, कौन बदली रहा है? आप इंजीनियरिंग पढ़ना आपकी अपनी जाति काबिलियत है, लेकिन आपके इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना, मीशत को बढ़ाना, मुख्तलिफ मैदान में आप जो है बिजनेस की तरह नहीं करना, एक अलग सेक्टर है। तालीम से उनको मजबूरी आप, तालीम आपके काबिलियत की आइडेंटिटी है। मटीरियल इज इंजीनियर स्टूडेंट, क्या कर रहा है वो? बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में फर्स्ट बिजनेस मैन, ये सेकेंड आइडेंटिटी। तो ये रियल इस्टेट का कॉन्सेप्ट मिला लिया, इतने स्कोप हमें बिजनेस के अंदर है, इतने स्कोप है। जब हम इंशाल्लाह इस रिफा चैम्बर से जुड़ेंगे आपको, तो वंडरफुल इस्तेमाल और जो है इसके बिजनेस के जो है आइटम्स हमारे सामने आ जाएंगे। छोटे छोटे चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं। मैं मुझे एक NRI के लेकर बड़ी खुशी हुई, तो वो कहें कि मैं 20 साल बाहर था और वो जो है वापिस आए, मैं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है वो रियल इस्टेट बोलते नहीं, बोले रियल इस्टेट बोलते नहीं, वो बोले कि मैं जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ACC जो सीमेंट के जो ईट्स होते हैं लाइट वेट के, अभी आजकल लोग मेडिकल से आ रहे हैं, फिर मैं फोन पे ऑर्डर देता हूँ, गाड़ी फना फना जगह जो है। अब देखिए कुछ भी काम करने का नहीं है, दुनिया मुट्ठी में है, सेल्फ दुनिया में। अभी हम कोने में बैठ के कुर्सी टेबल डाल के यहाँ से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो आज अलहमदिल्ला आज के एक ब्रेनवॉशिंग प्रोग्राम के अंदर एक क्लियर कट मालूम हो गया कि दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। दुनिया रियल इस्टेट ही नहीं है, पैसा रियल इस्टेट ही नहीं है, बहुत कुछ है। ये बात जो है हमारे सामने मालूम हो रही है। तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से मैं वाइस चेयरमैन नाजिमी जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे। हमारे यहाँ पर जो हमारे इंटरेस्टेड लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, उनके साथ हम जो है इस बिजनेस रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेटवर्क को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और आपको वक्तन वक्तन जो भी इसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहेंगे। जब हमारा रिफा चैम्बर के यहाँ निजामबाद में कायम हो जाएगा, तो आप खुद मंथली इसके के पूरे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये तो हमने इनिशिएटिव प्रोग्राम आपको दिया है, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम जमात की तरफ से, जमात के स्टेज से दिया है। जब आप झंडा आप पकड़ेंगे, तो आप यहाँ पर ये प्रोग्राम रहेगा रिफा चैम्बर कॉमर्स निजामाबाद यूनिट बोल के बैनर रहेगा, आप खुद कर सकते हैं। पूरे बिजनेस में जॉब शॉब रखने वाले लोग नेटवर्क से जुड़िए, आगे बढ़िए। क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे मोहतरम यूसुफ अली साहब जो है बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं, आप अगर इंटरेक्ट कर सकते हैं। बशीर साहब जो आपकी भी आपने पूरी स्टोरी की है, तो कई ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस मैन को हम इस चैम्बर से जोड़ेंगे, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। तो मैं बगैर कोई ज़्यादा देर किए हुए मैं इसी बात कहता हूँ कि आप अपनी सोच को बदलेंगे, तो आप जो है अपने आप को बदलेंगे, अपनी मीशत को बदलेंगे और तरक्की करेंगे। सोच नहीं बदलेंगे, और इसके अंदर जो हमारे एक्सपर्ट ने जो कहा, ये कॉन्फिडेंस अहम चीज़ है। पैसा रख के आपके पास 1 करोड़ रुपये है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो कॉन्फिडेंस रखिए, अल्लाह की दाद के भरोसे पर। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, सोच को बदलने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, और इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मौके पर आपको तमाम का मशहूर हूँ, जो बड़ी दिलचस्पी से यहाँ आकर जो है प्रोग्राम को भी, इस मोटिवेशनल प्रोग्राम को जो है आपने सुना, बहुत से सवाल जहन में क्लियर हुए। और हमारे रिफा चैम्बर के जिम्मेदार यूसुफ अली साहब और दूसरे जिम्मेदार का भी मैं मशहूर हूँ, उन्होंने जो आज के निजामाबाद की तारीख में एक नए सिम्ट का आगाज किया है। तो इंशाल्लाह ये हमारी ये सिम्ट आगे बढ़ते रहेगी। मीशत के हवाले से मैं ये चंद बातें जो है आपके सामने रखा। किसी भी किस्म का आप रहा है अब्दुल हकीम कमाल
अहमदी बाजार अमीर मुखानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका जो क्या आपके तमाम के नंबर आपकी प्रोफाइल हमारे पास है, इंशाल्लाह हम भी आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैं सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरदर का शुक्र गुजार लाता हूँ कि उसने जमात इस्लामी अहमदी बाजार को इस बात का मौका इनायत फरमाया कि एक अहम उनवान पर यहाँ एक प्रोग्राम मुनाकिब किया जा सके। मैं रिफा के रियासती जिम्मेदारान का और तमाम सामाईन का मशकूर हूँ, खासकर मोहतरम जनाब अहमद अब्दुल अजीम साहब का, जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को शर्फ़-ए-कबूलियत बख्शी कि आज ये फंक्शन हॉल हमारे लिए मुहैया किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मोहतरम से तो आफियत से रखें, उनके कारोबार में बरकत दें और इसका बेहतरीन बदल रोज़ आखिर में उनके हिस्से में लिख दें। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। हमारे वो जो वॉलेंटियर्स जमात इस्लामी अहमदी बाजार के अरकान और कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।